मोहतरम दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और हर सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व ताला उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सता यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है, जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम में औरतों को वो मकाम और मर्तबा जो किसी दूसरे मजहब में औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और यह हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियाँ बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरतों का किरदार मजीद मुजयन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो किया ही होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक शख्स आकर कहने लगा कि या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया है, लेकिन अफसोस ये इंसान के आमाल ही होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा कि या अली, वो कौन से काम है? तो हजरत अली ने फरमाया कि घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में ये दो ऐब पाए जाएं। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो बुरी आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद कर देती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक गीबत करना और दूसरा झूठ बोलना, ये दो काम औरतों को नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, उसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरत की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमा बरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि नेक औरतें वो है जो फरमा बरदार है और शौहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत में अपने माल व आबरू की हिफाजत करने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और अपनी जान व माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालिफत ना करे। औरत की मोहब्बत और उसकी इताअत में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत ने उसका मकाम और मर्तबा वाजह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है
कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर में अल्लाह तबारक व ताला के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं करती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा ना करे, हत्ता के जब शौहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके, शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ होती है तो जन्नत की हूर उसे बददुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी भी है कि सत्र हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम की खसूसियात और उसके महासिन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत और ज़ियानत का खसूसी एहतमाम किया गया है। ज़माने जाहिलियत में पर्दे का कोई एहतमाम नहीं था, पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहाँ पर हम अपनी बहनों को ये बात बताते चलें कि शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान हदीस में इसकी ताकीद किस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाज़त हासिल करो। चंद हदीस पाक आपके लिए अर्ज करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर रोज़ा भी ना रखें। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है कि जब कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान भी होता है। एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर ज़रूरत के तन्हाई में ना बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज़ भी पर्दा है, वो अजनबी मर्द के साथ इन शराइतों के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज़ में लचक, शेरनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाकदरे ज़रूरत बात करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त कि पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करे, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करे। आप तमाम बहनों के घरों को आबाद करें, अल्लाह तबारक व ताला उनके शौहरों को और फरमा बरदार बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।